वैसे मैं कोलकाता में ये टूरी टूरी आम मिलता नहीं है। कुघा ओटांग करता है मतलब अलग हो रहा है कुघा। तो दोस्तों एक और नए ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत करते हैं। अभी ससुराल से जाने वाले हैं घर और एक्चुअली मेरा आज को काम है ये का, तो मम्मी जो आई है उसको अभी पहुंचाने जाएंगे और बाबू परमिशन भी ले लेते हैं। फाइनली मामा घर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे पुराना पद्धति से इधर पे पंखा लगाया है और उधर पे चावल धीरे धीरे नीचे उतारा जा रहा है ताकि इसका जो क्यों बोलोगे क्या कुघा है वो निकल जाए। और वैसे में निकल रहा है और ये धान झाड़ा किया हुआ पिसाई किया हुआ चावल है, ठीक है। इधर पछुआता है मतलब उधर वो जो जा रहा है उसको कुघा ओटांग करता है मतलब अलग हो रहा है कुघा। हाँ केमन बोलता है वैसे ठीक ठाक बोलता है, हम लोग हिंदी उतना जानता नहीं तो सीखता है। और मोनी इधर कुहू लुका खेलता है किसके साथ मामी गांव के साथ, ठीक है। तुम इधर कुहू लुका करो और उधर पछगाता है धान नहीं चाल चाल। मोनी आम कुका के रखा है और ये है ये टूरी आम और देखता है खा के सारी गाड़ी सिबिला। ये है मोनी हाथ तो हटाओ पता नहीं कैमरा जब देखती है ना पूरा डर जाती है तो वही बोला बात है लड़की है समझ में नहीं आता कि इसको कैमरा से एलर्जी है अभी पूरा आई है फेस में, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम किया है कि आम ला के रखा है मेरे लिए। वैसे मैं कोलकाता में ये टूरी टूरी आम मिलता नहीं है और उधर पे जो मिलता है 150 रुपये 200 रुपये किलो है रहा ये फ्री वाला आम है लेकिन टेस्ट लाजवाब है। दादू है अभी कमा के आया 20 रुपया, ठीक है। और दादू जो है पूरा खुश है ना तो कहूँगा इधर देखो तुमको दिखा दे रहा है ना पैसा दिखाओ उधर हाँ देख पा रहे। और अभी दादू का जो दांत है ठीक है 32 दांत है और जो भी चबाता है ना गजब का मतलब हम उतना नहीं सकता है उतना स्पीड में खाता है तो यही वाला बात है। और बहुत क्वालिटी वाला दादू है और इधर मोनी ये क्या बोलता है चावल जो उधर पे झाड़ा नहीं झाड़ा क्यों बोलोगे ये पछगान हुआ जो पंखा लगा के उसको थोड़ा बहुत चुन रहा है ताकि भात बैठेगा इधर पे। वो देखो इधर पे हाड़ी लगाया हुआ है छोटा सा चूल्हा और बड़ा सा दो ठो लकड़ी का टुकड़ा और इसी में अभी दोपहर का गरम खाना बनेगा। और इस बीच दादू हंसता ही जा रहा है। हम लोगों के गांव में इस तरह से लकड़ी का व्यवस्था किया जाता है जैसे कि आप लोग देख पा रहे पूरा दूर दूर जाके सुबह से एक दोपहर तक जुगाड़ करके और ऐसा एक एक करके लाया जाता है चुन चुन के देखा चाहिए अंदर किरकम काटाना है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं अभी अपने गांव में हूँ अपना गांव नहीं ये मामा घर का गांव है, ठीक है। मैं अभी मामा घर में ही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी पूरा दोपहर है और दोपहर में धूप इतना तेज है कि जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मैं पूरा पसीना पसीना हूँ। और हम लोग इधर पे पेड़ है पौधा है तो जिसके चलते यहाँ पे दादू लोग बैठा हुआ है मम्मी उधर पे सोई हुई है और गाड़ी भी छाँव में रखा है और घर में रहने लायक मतलब हम लोगों के इधर पे एसी फ्रिज ये सब तो है नहीं तो जिसके चलते हम लोगों का एसी यहीं है, ठीक है। यहीं पेड़ है यहीं पौधा है। तो यार ये है अपना पड़ोसी का घर और यह है अपना मामा घर मतलब अभी तक अपना घर नहीं है तो यही वाला बात है। तो अभी हम जा रहे हैं ससुराल, ठीक है। कपड़ा वपड़ा ले लिया है थोड़ा बहुत और जो घर पे था उसी को लेके और मम्मी अभी सो चुकी है
और यही पेल का जो छांव है उसी में, और वाकई यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी हम निकलते हैं और आप लोगों को अपना गांव थोड़ा बहुत दिखाते हैं। हाँ तो यार, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये भी मेरा मामा घर ही है, और यहाँ पर भी ये दो ठो बेल है, ठीक है। और ये जो आम पेड़ आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ का जो आम है बहुत ही स्वादिष्ट है, और अभी अभी गिरा था कुछ देर पहले, तो मैंने एक तो उठा के रखा था, तो उसको हम लेके जाएंगे, तो जिसके चलते अभी हम जा रहे हैं अंदर, अंदर से लेंगे आम को और वहाँ उसके बाद यहाँ पे निकलेंगे। यहाँ पे जो गाड़ी आप लोग देख पा रहे हैं, ये मेरा भाई का है जो कि मौसी का बेटा है, ठीक है। और अंदर का नज़ारा इस तरह से है, गर्मी के टाइम में मोनी क्या कर रही है, सो रही है, और दादू इधर पे भात खा रही है, मतलब दादू इधर पे भात खा रहा है, सब्जी भात। दरअसल बात ये हुआ कि मामा घर में मामा जो है हॉस्पिटल चला गया है, ठीक है, उसका थोड़ा बहुत लूज मोशन हो गया, तो इसके चलते अभी सोच रहे हैं देखने जाएंगे, और इसलिए घर फाँका है। और आगे आप लोग देख पा रहे हैं आम का पेड़, जो कि बहुत ही मिष्टी है, ये मामी गम दादू, दादू तो पूरा तब से हंस ही रहा था। तो आज का ब्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छा अगर लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना।